हाय फ्रेंड्स, जेएस स्पोर्ट्स क्लब में आपका स्वागत है। मैं आपका कोच जोहर। आज मैं आपको भाले की जो है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। ये लड़की है, ये पहली बार मेरे पास जो है जैवलिन करने के लिए आई है। इसका जो है आज सेकंड दिन है, मतलब सेकंड डे है आज इसका। तो आज मैं तुम्हें बताऊँगी बिगिनर्स के लिए जो है शुरू में क्या करना चाहिए, या थ्रो पारने के लिए क्या करना होता है शुरू में, वो चीज़ मैं आज को आज बताऊँगा कौन सी थ्रो आउट करनी होती है। तो मैं आज सबसे पहले आपको ये चीज़ सिखाऊँगा कि जैवलिन पकड़ते कैसे करके बिगिनर्स, और उसे जो है पहले कौन सी एक्सरसाइज करानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको जो क्लियर करूँगा। ये लड़की है, अब मैं देखो ये मैं इसे जैवलिन पकड़ा, वही ग्रिप जो मैंने बताया कि तीन ग्रिप होती हैं। तो जो बिगिनर्स हैं ज़्यादातर मोस्टली उन्हें जो है फर्स्ट फिंगर से ही अपनी जो ग्रिप बनानी चाहिए, ये हमारी फर्स्ट फिंगर होती है। अब ये लड़की है, इसको मैंने ये बता दिया है कि जो है पकड़ते कैसे कैसे पकड़ना। अब ये देखो पकड़ के बताएगी, ये देखिए ये जो है ये वहीं से मैंने बता रखा कि ये यहाँ क्रॉस करती है लाइन, एक ऐसे रहना चाहिए जैवलिन अंदर की तरफ, ये ग्रिप ये ऐसे, और ये यहाँ खड़े होते हैं ऐसे पीछे ये। अब बिगिनर्स को क्या करना चाहिए, ये अपनी एल्बो जो है ये हाई रखनी चाहिए, यहाँ कान के बराबर एल्बो यहाँ हाई रखनी चाहिए। इस तरह से जैवलिन पकड़ना, ये नहीं कि हमने पूरा हाथ पीछे खींच लिया, पूरा हाथ पीछे नहीं खींचना चाहिए। बिगिनर्स को ये पोजिशन में सीधे खड़े होकर के, और ये अपना एल्बो हाई रखनी चाहिए, और ये थोड़ा हाथ यहाँ ऊपर, ये पोजिशन बना करके जो है ये स्टार्टिंग में आप थ्रो करने शुरू करें। 15-20 दिन तक, जब तक ये प्रॉपर जो है आपको गाड़ना नहीं आता, ये थ्रो लगाते रहें। अब ये लड़की थ्रो गाड़ के गई, थ्रो मार, ये थ्रो जो है स्टार्टिंग में जो है लगानी चाहिए। अब एक थ्रो और लगाएगी, चलो ये एक थ्रो लगाएगी, ये पोजीशन, ये स्टार्टिंग बिगिनर्स को जो है ये पोजीशन बनाकर रखनी चाहिए। चलो रिलीज करो, ये आपको जो है गाड़ना जाएगा और आपको इसकी ग्रिप पकड़नी आ जाएगी, ये थ्रो करने से बार बार। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है ये थ्रो करने के बाद अगली जो थ्रो आती है वो पैर आगे पीछे कर लेने चाहिए, यहाँ सेम इसी पे, इसे ये हमारी जो है इस तरह से ये बांध दी, ये एल्बो ऊपर रहनी है, ये और ये जो है ये नी डाउन, वेट इस पिछले पैर पे, और ये जो है फिर वो फिर जो है सामने बांध दें, ये स्टार्टिंग में जो है ये करनी चाहिए। एक थ्रो और करके दिखा, ये चीज़ थ्रो डाउन, ये एल्बो हाई, ये ग्रिप, और ये यहाँ भी है। चलो थ्रो करो, ये बिगिनर्स को जो है स्टार्टिंग में यही यहाँ से लेकर के चलना चाहिए, और जो है 1-1.5 महीना कंटिन्यू ये प्रैक्टिस करनी। जब आपको पूरी थ्रो करनी आ जाए, ऐसे हाथ यहाँ है, अभी एक बार और थ्रो देखा, जैसे ये हाथ आपका यहाँ है, ये धीरे धीरे ये हाथ पीछे जाएगा, फिर धीरे धीरे ये यहाँ आ जाएगा, और जब आप यहाँ से थ्रो लगाना शुरू कर देंगे तो आपको पूरे जो है पोजीशन बनानी आ जाएगी, बढ़िया एकदम अटैकिंग पोजीशन में आ जाएगी, सब कुछ ठीक। अब यहाँ से करें थ्रो, कैसे करें, अब ये ऐसे हाथ पीछे रहेंगे, उसके बाद फिर अपना क्या था पावर पोजीशन, वो पावर पोजीशन के अंदर आ जाएंगे, फिर हम यहाँ आ जाएंगे पावर पोजीशन, फिर इधर से फिर ये डाउन अंदर वही बनेगी, फिर थ्रो। तो ये बिगिनर्स को ये करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद।